किसान वीरों, आज की शानदार वीडियो में हम आपको महिंद्रा की तरफ से आने वाला एक शानदार एक्यूरेट पोटैटो प्लांटर दिखाएंगे जो कि हमारे किसानों का उत्पादन 25% तक बढ़ाता है। यह शानदार काम वह कैसे कर पाता है पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कंपनी रिप्रेजेंट भी हमारे साथ हैं और जिस किसान ने इसको पिछले साल इस्तेमाल किया उसका एक्सपीरियंस भी आपको हम दिखाएंगे। कितनी कीमत है, कैसे इस्तेमाल करना है, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपका ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि इससे 25% तक उत्पादन कैसे बढ़ता है, जो मेरा भी सवाल था वह हम समझते हैं कंपनी के रिप्रेजेंट से। तो रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ महिंद्रा ने इसके अंदर ऐसा क्या जादू किया है जिससे कि हमारे किसानों की 25% तक प्रोडक्शन बढ़ती है। हम मशीन के बारे में बात करने से पहले दर्शन जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जिसके कारण पैदावार बढ़ती है। आलू की खेती जो कि एक रूट क्रॉप है, इसका पैदावार डिपेंड करता है कि एक आलू कितना मल्टीप्लाई होता है, तो कितने ट्यूबर एक आलू से निकलते हैं, और दाम उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना ग्रेडेड आलू हम दे पाते हैं। प्रिसिशन डिपेंड करता है कि हम आलू को समान गहराई, समान दूरी और जिस जगह पे हमको रिज में प्लेस करना है सटीकता से वहाँ पे प्लेस कर पाए, और हर जगह पे एक ही आलू गिरे, दो आलू ना गिरे, नहीं तो दोनों आलू न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं और अगर कहीं पे मिसिंग होती है तो वो जगह वेस्ट जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पैदावार का इम्पैक्ट पड़ता है। ये मशीन और ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि हर जगह पे एक ही आलू गिरे, समान दूरी पे गिरे, समाई गहराई पे गिरे और वहाँ पे गिरे जहाँ पे हम उसको गिराना चाहते हैं, रिज के बीच में या जिगजैग प्लांटिंग के दौरान जो भी उसका एलोकेटेड लोकेशन है वहाँ पे आलू गिरे। सो प्रिसिशन के थ्रू ये इंश्योर होता है कि आलू को सही मात्रा की सॉइल वॉल्यूम मिल रही है और सॉइल वॉल्यूम इंश्योर करती है कि आलू की ग्रोथ हो। ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। अब थोड़ा सा देखते हैं कि मशीन ये टेक्नोलॉजी को डिलीवर कैसे करती है, इंश्योर कैसे करती है कि ये प्रिसिशन ये डिलीवर कर पाए। सो ये मशीन का बंकर है जिसके अंदर 500 के लिए आलू डलता है। नीचे यहाँ पे मूविंग फ्लोर है जो कंटेनर सप्लाई आलू की कन्वेयर और कप्स के ऊपर प्रोवाइड करती रहती है। इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें कोई भी एजेस या ऐसे शार्प एरियाज ना हो जो आलू को क्षति पहुंचाएं, तो वो बड़ी नाजुकता से आलू को कन्वेयर पे ट्रांसफ़र कर देती है। ट्रांसफ़र होने के बाद में हमारा जो कन्वेयर है उसमें कप्स लगे हुए हैं और कप्स का डिज़ाइन बिल्कुल अपने हाथ के हथेली की तरह है, तो वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि उसमें एक आलू के लायक जगह है। वो एक आलू उसमें जाके बैठ जाता है, जब वाइब्रेटर चलता है तो वो एक आलू नहीं गिरता, अगर कोई एक्स्ट्रा आलू हुआ है तो वो गिर जाता है, जो इंश्योर करता है कि हर जगह पे आलू पहुंच जाए और डबलिंग ना हो, एक जगह पे दो आलू ना पहुंचे। कप्स के डिज़ाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी में डिफरेंट इंसर्ट्स आते हैं, 30 से 60 mm तक के लिए येलो कप आता है, उससे छोटा आलू लगाना है तो उसी में एक रेड इंसर्ट आ जाता है, और इससे बड़ा आलू लगाना है तो अलग बेल्ट और कप्स साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं जो किसी भी टाइप के आलू को बीत सकता है सटीकता से। इसके बाद जो पूरा कन्वेयर है उसका शेप पैराबोलिक शेप का है जो इंश्योर करता है कि आलू बड़े आराम से नीचे तक जाके छोड़ा जाए, बहुत ऊपर से ना गिरे, और जो हमारे शू हैं उनको डिज़ाइन इस हिसाब से किया गया है कि उसमें डायरेक्टिंग प्लेट्स दी हुई हैं जो उसको बिल्कुल सेंटर में जाके गिराते हैं। ये इंश्योर कर देता है कि बिल्कुल प्रिसिशन से, जो प्रिसिशन का इंपॉर्टेंस मैंने बताया, वो ये मशीन डिलीवर कर सके। तो ये जो पीछे का मैकेनिज्म है वो आलू के प्रिसाइज प्लेसमेंट के बाद मिट्टी कितनी आलू को देनी है वो इंश्योर करती है। ये डिस्क है उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाती हैं, और ये जो रिजेस हैं ये बहुत ही स्पेशली डिजाइंड रिजेस हैं इस चीज़ के लिए, जो रिज बनती है उसको ट्रेपेजॉइडल शेप देते हैं, वो इंश्योर करता है कि आलू को सही मात्रा की मिट्टी मिले, और ये जो स्प्रिंग और ये प्लेट्स दी हुई हैं ये उस रिज का कंप्रेशन ऐसे मेंटेन करती हैं कि ना तो रिज नीचे ढहे और उसको सही मात्रा का कॉम्पैक्शन दे, जिसके कारण जो भी न्यूट्रिशन, हवा, पानी आलू की तक पहुंचना है उसकी ग्रोथ के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में उस तक पहुंच सके। तो ये बहुत बड़ी USP है हमारी मशीन। तो किसान भाइयों, अब हम आपको दिखाएंगे कि आलू की बिजाई के समय ये हमारे पौधों को न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेगी, खाद कैसे डाला जाएगा खेत में और क्या क्या मैकेनिज्म उसमें काम करेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सो बिजाई के साथ साथ इस मशीन में आलू को फर्टिलाइज़र भी साथ में प्रोवाइड करने का प्रावधान है। इसमें 2 65-65 लीटर के फर्टिलाइज़र बॉक्स दिए हुए हैं जो
जितना भी आप प्रति एकड़ फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं आलू के साथ में वो आप इंश्योर कर सकते हो। उसमें गियर दिए हुए हैं, सेटिंग्स को चेंज करके कितना फर्टिलाइजर हम देना चाहते हैं वो इंश्योर हो जाता है। पाइपों के थ्रू आलू गिरने से पहले और आलू के थोड़ा नीचे ये फर्टिलाइजर को प्रिसाइसली पेस करता है, जिससे जब आलू का अंकुरण होता है तो उसकी रूट्स को फर्टिलाइजर मिल जाता है और ये फर्टिलाइजर आलू के संपर्क में नहीं आता तो आलू सड़ता नहीं। रोहित जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या ये मशीन एक ही तरीके की बिजाई करती है, इससे हम और काम भी ले सकते हैं? तो ये मशीन केवल आलू की बिजाई के लिए है, बट इसमें आलू की बिजाई के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसके थ्रू आप 24 से 30 इंच रिच टू रिच स्पेसिंग में आप प्लांटिंग कर सकते हो। स्ट्रेट प्लांटिंग, जिगजैग प्लांटिंग दोनों संभव है इसी मशीन के थ्रू। केवल ये जो नीचे के शू हैं वो चेंज करने पड़ते हैं स्ट्रेट और जिगजैग के लिए। इसके अलावा मल्टीपल सेटिंग्स हैं इस मशीन के अंदर। इसमें दूसरी तरफ गेयर्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू स्पेसिंग को एडजस्ट करके आप अपने खेत का सीट रेट एडजस्ट कर सकते हो, कितना बीज हमको पूरे एकड़ में लेना है वो गेयर से सेटिंग दी हुई है। डेप्थ एडजस्टमेंट सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू कितनी गहराई पे बीजना है 3 इंच से लेकर 9 इंच तक गहराई एडजस्ट करी जा सकती है। सो मल्टीपल सेटिंग्स हैं। पीछे हमको अपने जो रिज है उसका टॉप कितना चाहिए वो भी एडजस्ट किया जा सकता है, रिज की ऊंचाई कितनी चाहिए वो भी एडजस्ट करी जा सकती है। तो किसान वीरो, हमारे साथ वह किसान है जिसने पिछले साल इस मशीन को लिया था और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मशीन के साथ, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए कि इस मशीन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो वीर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो आप हमारे किसानों को विशेषकर हिंदी में पहले तो अपने बारे में बता दें और फिर इस मशीन से क्या वाक्य में ही आपकी यील्ड बड़ी है, कैसा काम करती है, पूरी जानकारी दें। मेरा नाम लखविंदर सिंह है, मैं सहजो माजरा गाँव का रहने वाला हूँ जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं मोस्टली आलू की खेती करता हूँ। पिछले साल आपने कितने एकड़ में इससे बिजाई की है? मैंने इस मशीन से पिछले साल 180 एकड़ में बिजाई की है। जी, तो कैसी परफॉर्मेंस ली, क्यों आपने महिंद्रा का इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया? ये मशीन बिजाई बहुत एक्यूरेट करती है। एक तो सीड डिस्टेंस बिल्कुल एक जैसा होता है, अगर हम 9 इंच पे सेट कर देते हैं तो 9 इंच पे ही हर सीड आएगा। अगर उसकी गहराई 4 इंच पे 5 इंच पे जहाँ भी सेट कर देंगे सारे सीड या तो 4 इंच पे होंगे या 5 इंच पे कर दिया तो 5 इंच पे होंगे। तो सीड टू सीड भी और गहराई भी एक्यूरेसी रहती है? बहुत एक्यूरेसी रहती है इसकी। ठीक है। और रिज बहुत अच्छी बनाती है, रिज कम्पैक्ट नहीं होती, हवादार होती है, जो आलू की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आलू हमेशा जमीन के नीचे होता है, उसको जितनी अच्छा स्पेस मिलेगा वो उतना ग्रो करेगा, ठोस नहीं बनाती है। ठोस नहीं बनाती। जी जी। तो और आपने ये प्रोडक्ट लिया, कंपनी की तरफ से सपोर्ट सर्विस कैसी रही है? क्योंकि एक बार प्रोडक्ट खरीद लेता है किसान, और क्योंकि आलू का सीजन बहुत एक एम्प्टी टाइम होता है किसान के पास, तो पर आपको आफ्टर सेल एंड सर्विस कैसी मिली है, और 180 एकड़ में आपको कोई प्रॉब्लम भी आई है इस मशीन के साथ? वैसे तो मशीन चलानी बहुत आसान है। जी जी। इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी जी। फिर भी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो कंपनी का रिप्रेजेंट आ जाता है, पर इसकी सेटिंगें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। लेकिन सर मैंने देखा है भी काफी चीजें हैं इसके अंदर, काफी फंक्शन दे रखे हैं कि आप एडजस्टमेंट के लिए आप खुद ही कर लेते हो या कंपनी से कोई बुलाना पड़ता है? सर नहीं, वैसे तो हम सारे फंक्शन खुद ही सेट कर लेते हैं। इसके फंक्शन सेट करने बड़े आसान है, इसकी सेटिंग बहुत ईजी है। बस ये ग्रारियां इसमें ये निकाल के बदलनी होती हैं, इधर उधर डालनी होती हैं, बड़े आसान सा काम है। और इस पे चार्ट भी लगा हुआ है दूरी सेट करने के लिए, कहाँ ज़्यादा कम कौन सी ग्रारी कितनी दूरी पे सीड डालेगी, वो चार्ट में सब कुछ बताया गया। किसान भाइयों, यहाँ पे गेयर बॉक्स दिए गए हैं, इनका फायदा ये है कि आप एक्यूरेट डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं सीड टू सीड जो होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक चार्ट भी दिया गया है। तो आपके हिसाब से मशीन कामयाब है, आम किसान इसको ले सकता है? मशीन बहुत कामयाब है, इस मशीन से लगभग मेरे को 25% ज्यादा प्रोडक्शन मिली। 25% तक ज्यादा प्रोडक्शन मिली। आमतौर पे आप कितनी प्रोडक्शन ले पाते थे और इस मशीन से आपकी प्रोडक्शन कितनी? आमतौर पे 250 बैग आता था, लगभग इससे 300 से प्लस है। 300 प्लस बैग आ रहे हैं आपको पर एकड़। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने किसान का एक्सपीरियंस सुना कि किसान इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड है, अगर और किसी किसान ने इसका इस्तेमाल किया तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक भी करें, लाइक से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये शानदार जानकारी और किसानों तक पहुँचे। जो लोग अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो करें। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।